सो हाउ आर यू गाइज। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे स्कूल के साइड से। रात के कितने बज रहे हैं? इधर बता दिया हूँ रात के इतने बज रहे हैं, 11:30 हो रहा, 10:30 हो रहे। और गाइज हम लोग इधर हम जस्ट हम लोग इधर आके रुके हैं। सो गाइज हम इस सुनसान रोड पे अकेले हैं और यहाँ से कोई भूत आएगा तो उसको खा लेगा। और मेरा कुछ नहीं होता गाइस, जस्ट वो हमारे लाइक माइंड के बहम होते हैं। सो अभी हम जस्ट डिबाट से आए। सो डिबाट से आके बाद और गाइस आप चलिए इस तरफ, आपको दिखाते हैं, इधर आइए। सो वी विल शो यू द जमाओ से मिलाते हैं। लेना है नहीं, कोई मेरे को लेना नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हम लोग बीमार जाके आए हैं। गाइस कुछ भी लेना, ऑलरेडी सिर्फ 5,500 का बजट करवा के आए हैं अड्रे। और गाइस मैं सबसे ज़्यादा है ना ये पीता हूँ। हाँ चलो। सो गाइस वी आर सुनसान दिस रोड। और गाइस मेरा वाला। सो गाइस मेरा चैलेंज है इस रोड से मेरे को नहीं गाइस, वी आर अलोन इन दिस रोड गाइस। तो मैं व्लॉगिंग एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब मैं एडिटिंग इज द व्लॉग, मौज बना रहे अपना। तो हम जस्ट चुप ना, वो देखो अपनी एक्टिंग कर रहा था वो लड़का, वो स्कूटी से था। गाइस हम जा रहे हैं फुर करके वो लड़का जो था पता नहीं कौन था, वो हमारी जस्ट हमारी एक्टिंग कर रहा था। गाइस वो स्कूटी से एक्चुअली, और वो गाइस हम जा रहे हैं, हम इधर फुर करके जा रहे हैं। और गाइस सब जा रही हैं और ये हम लोग का स्कूल है आवर लेडी। गाइस चलो पापा इधर एक मिनट। सो वी आर गोइंग एंड हम इनको भी बाय बोल तो मिलके आगे बढ़ते हैं। और ये अंकल पता नहीं क्यों हरते हर बार अपने क्या बोलते हैं हॉर्न बजा बजा के। हमने शक्ल दिखा दीजिए, दिखा दो भैया, दिखा दो भैया, दिखा दो, शर्माओ मत। कौन है? व्लॉग, वी आर मेकिंग व्लॉग। सम पीपल्स आर फीलिंग शाय विद दिस। सो अभी हम पापा का वेट करेंगे। और संदेश अंकल है जो मेरे को मारते रहते हैं। इनको फेमस करो यूट्यूब पे, सारे बच्चे इनको समझ जाए कि खतरनाक। ये जो अंकल है ये हम लोग को बहुत मारते, मेरे को बहुत ज्यादा मारते पटक पटक के। उस दिन साइकिल चलाने के लिए जा रहा था ना गाइस, मेरे को पटक पटक के मारे। गाइस ऐसा कुछ नहीं है। और ये भैया मेरे दोस्त है ना भैया, आए कर दो, चलो आपको ब्लर कर दूंगा, चलो हटो। और गाइस मस्त एक जानवर जा रहा है, गाइस एक जानवर जा रहा है। जानवर का नाम क्या है? कुछ खाना वाला दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो। हां ये वाला किसका लिया ना? इधर है वो, इधर है। ये भी फेमस हो जाएगा संदेश के साथ। हाँ। ये बोलो कि ये बिल्ला संदेश का है, बोलो ये भी बताओ। ये बिल्ला संदेश अंकल का है, इनका है। और आइसक्रीम खाता है नहीं? और आइसक्रीम भी बहुत खाता है। और चिकली को किसका है क्या पता है गाइस? संदेश अंकल विद हिज बिल्ली विद हिज ब्लैक कैट। अभी नेक्स्ट व्लॉग ही आने वाला है, पार्ट 2, पार्ट 2 संदेश अंकल पार्ट 2। चलो बाय। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं, रेस्क्यू फाउंडेशन आ चुका है। सो गाइज वी आर ऑल्सो गोइंग एट होम। एक्चुअली ये व्लॉग का एक्चुअली मेन टाइटल क्या है कि हम बोल रहे तू तो इस व्लॉग का मेन टाइटल क्या है कि हम कि हम रात को एक्चुअली इधर क्या कर रहे हैं सुनसान एरिया में। अरे देखो मैं फिर इधर है टावर,
और हम लोग ये अच्छे, बहुत लोग जो पोइसर में रहते हैं उन लोग को पता है कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, जो कांदी वाली ये मालाड वालाड के लोग हैं उन लोग को नहीं पता है। गाइस इफ यू लाइक आवर वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड सब्सक्राइब करो भाई। आ चुके हैं और ये है गॉड, हमारे गॉड हैं। एक्चुअली वी आर नॉट कैथलिक, सो हमारे लिए तो सब गॉड भगवान ही है, पर हम कैथलिक नहीं तो हम गॉड। और गाइस मर चुके हैं और बहुत टाइम लग रहा है गाइस, जल्दी जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। और इसको कुछ नहीं बोलेगा, म्यूजिक अपने आलीशान गली में, गली में बेइज्जती हो जाएगी और सोसाइटी में, सोसाइटी हम लोग को दिखाने का है। और hey guys, everything is... लेकिन उसको टू बी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी अभी बंद कर, अभी इसको पॉज कर। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं और भाई गाइस पूरा सुनसान है, देख लो पूरा हम लोग का पूरा मैदान सुनसान है। चलो चलो चलो। और गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर में और मम्मी आते ही फेसबुक देखने लग गई और अभी हम लोग अपना सामान वामान दिखाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं लिया, मेरे को मारा है एक चमाट और फिर उसके बाद बोले कि पेन वेन नहीं लेना है, बहुत सारे पेन्स हैं, तो गाइस हम लोग ने पेन नहीं लिया। और रीज़न गाइस क्या है पता, पेन नहीं लेने का इसके रीज़न क्या है, हमें पेन नहीं लेने का क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेन हैं, सो हम उसको नहीं ले सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्च का बनता है, ये एक दस दिन में हमारा एग्जाम के बाद हमें ऑलरेडी छुट्टी मिलने वाली है और वो सूख जाएगा। फिर अभी जब स्कूल खुलेंगे अभी हम लेंगे ना इस बहुत सारे बंडल के बुक लेंगे हम लोग, और मतलब एक बंडल में छः रहते हैं तो छः बारह, तो हम लोग दो बंडल लेने वाले हैं। और गाइज मम्मी को देख लो, मम्मी हाय कर दे बस, हाय गाइज बोल दे। गाइज एक्चुअली मेरी मम्मी कैमरे में बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, सो वी होर एंड मेरी सबसे अवेटेड वीडियो आने वाली है विच इज कॉल प्रैंक कॉल। और हाँ गाइज मेरी एक फ्रेंड थी जिसका वो बोल रही थी कि लाइक मैंने नाम नहीं लिया उसका वीडियो में लास्ट टाइम, कौन था वो, नियति पारेख, सो हमने अभी लिया नियति पारेख। और जितने भी लोग हैं हाँ तभी तो बहुत सारे जन है, पर अभी उसने लाइक कन्विंस किया मुझे, कन्विंस मीन्स क्या था, उसने बोला कि लास्ट टाइम तूने मेरी वीडियो में अपनी वीडियो में मेरा नाम क्यों नहीं लिया, सो इस वीडियो में तो ले। तो इस वीडियो में गाइस अगर तू देख रहे नहीं थे तो ये वीडियो लाइक करना प्लीज़, और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी तूने किया ही हो तो मुझे हमें पता है। सो नियति पारेख इधर लिए वीडियो है, और हाँ अगर देख रहे तो प्लीज़ लाइक करना, डिसलाइक मत करके जाना, वही तो कि हमारी बेइज्जती हो जाए आपका नाम लेके। नियति पारेख इधर उसका नाम डालना टाइटल में, ये पर्सनली नियति वीडियो का है और ये एक्चुअली हमारा वीडियो मुद्दे वीडियो बनाने का क्या और है गाइस अरे क्यू एन ए हम लोग का था लेकिन कोई अभी कमेंट नहीं किया। गाइस अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज क्वेश्चंस भेजो, हम उसके आंसर देने वाले हैं और उसके वीडियो जल्दी ही आएगा। और हम मैगी चैलेंज भी करने वाले कि हम दीवार से मैगी चैलेंज लाए हैं और स्पाइसी बना के खाएंगे, पास्ता चैलेंज भी होने वाला है। पर गाइस पर्सनली जो 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 ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट करो हमारे वीडियो पे, तो हम उस पर आंसर देंगे ना, पर आप कमेंट ही नहीं करो तो हम कैसे अपने आप से क्वेश्चन बना के आप आपको आंसर देंगे, आप जब भी कमेंट करोगे तभी आंसर देंगे ना। सो प्लीज़ गाइज, और हमारा ये वीडियो बनाने का ये नहीं कि हम सब कुछ दिखा रहे हैं फालतू विलतू, ये जस्ट आपके एंटरटेनमेंट के लिए, हम रात को क्या
एक्चुअली ये हमारा ना ये सेम है जैसे हम कर रहे हैं ना अभी, वैसा हम हर डी मार्ट जब भी जाते हैं तो हम यही सेम मुद्दा करते हैं। तो मैं थोड़ा सोची कि आपको दिखाऊं मैं एक्चुअली डी मार्ट जाने के बाद हमारी एक्साइटमेंट, हमारी इमोशंस कैसे जागते हैं आफ्टर डी मार्ट। और सॉरी गाइस, हम लोग आपको डी मार्ट के अंदर नहीं लेके गए और रिकॉर्ड, क्योंकि उधर इलीगल है हम लोग का मतलब वीडियो बनाना वो सब, फोन अलाउड नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा शाय फील होता है, सो वी कांट डू दैट। और चलो चलो इस ब्लॉग को एंड करते, थैंक यू सो वाचिंग।